अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और हम कर रहे हैं तैयारी डिनर की। डिनर में जनाब होगा करेले करेले करेले, और इसके साथ क्या होगा ये भी कुछ पता नहीं है। अभी सोच रहे हैं कि करेले जो है ना वो किस तरह बनाने हैं, लेकिन फिलहाल जो हम करेले ले आए हैं, ये जनाब करेले कितने के आए हैं ये आप खुद चेक कर लें। और ये जनाब कुवैत के अंदर इस तरह के करेले होते हैं, ये पाकिस्तानी करेले नहीं है, ये बाहर के करेले हैं। पाकिस्तानी करेले जो है ना वो छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल करेलियाँ सी होती हैं, ये करेले हैं। तो चाचू जो है ना वो चाचू में इनकी सफाई कर रहे हैं, और देखते हैं वो ना बता रहे थे कुछ जो है ना साफ कर सकते हैं। ये क्या हुआ इसको? ये खराब करेला पक गया, करेला ये जो है ना करेला खराब हो गया। वो कह रहे हैं ये जो है ना बहुत ज्यादा पक गया हुआ, ये ना बनाने के लायक नहीं है, बनाने के काबल नहीं है, इसको साइड पर रखते हैं। अभी जो है ना करेलों की सफाई होगी, उसके बाद जो है ना इसको जो है ना वो फ्राई किया जाएगा, जो भी प्रोसेस होगा आपको हम बताएंगे। पाकिस्तानियों अगे मोबाइल चैनल दे, घड़ी चैनल दी, जुत्ती चैनल दी, टेलीविजन चैनल दा, फ्रिज चैनल दी, आज जो है ना सब्जी भी देख लो चैनल दी, करेले चैनल दे, ऐ ना समझो कि ना भी इंडिया पाकिस्तान दे ने, चैनल दी सब्जी जागी, खाओ करेले चैनल दे, चैनल चैनल चैनल। अब करेले के साथ जो है ना हम गोश्त डालेंगे, गोश्त जो है ना वो है मटन का गोश्त आ गया। बस जो है ना सफाई कर रहे हैं, काम जो है ना वो बस स्टार्ट है। अभी जो है ना प्याज टमाटर वगैरह वो कटिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ना हमने गोश्त जो है ना वो साफ कर लें, उसके बाद जो है ना टमाटर प्याज अदरक मिर्ची ये जो है ना मिक्स करके डालेंगे हम गोश्त में। पहले हम इनको करेंगे छील से वॉश, वॉश करने के बाद जो है ना इनको लगाएंगे नमक, क्योंकि नमक लगा के जो है ना इनका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा, कि जो नहीं पसंद करते वो भी इनको खाना पसंद करेंगे। करेले को नमक जो है ना वो लगा लिया है, अब जो है ना वॉश कर लिया, जो है ना इसको जो है हम करेंगे फ्राई, क्योंकि हल्का हल्का जो है इसको ब्राउनिंग करेंगे, ब्राउन करके जो है वो डालेंगे हम जो है इसको गोश्त। कितना टाइम लगेगा ये? 10 मिनट जो है ना लगेंगे ये ब्राउन करते हुए। ये देखें ये जो है ना बिल्कुल जो है ना वो मटन इसके अंदर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना करेला गोश्त बिल्कुल रेडी, और अल्हम्दुलिल्लाह खा भी लिया रेडी का, अब तो खत्म ही हो गया पूरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खाना खा लिया हमने, करेला गोश्त बहुत मजे का बना है। आप पूछते हैं भाई से, जी भाई कैसा बना है? बहुत अच्छा बना जी, बहुत अच्छा बना जी। भाई कह रहा जी बहुत अच्छा बना, बहुत शुक्रिया जी, बहुत टेस्टी जी। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे।